हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रांसफार्मर टॉपिक को, जिसमें हम डिफरेंट ई लेवल एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, जो कि रिलेटेड है बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को रीड करके खुद से इसको सॉल्व करिए, उसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगा उसके साथ आप अपने सॉल्यूशन को मैच कराइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ 400 बाय 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड टू अ 25 हर्ट्ज सप्लाई इन ऑर्डर टू कीप द मैग्नेटाइजेशन करंट एट द सेम लेवल इन बोथ द केसेस द वोल्टेज एट 25 हर्ट्ज शुड बी व्हाट। इसने क्या कहा है, इन ऑर्डर टू कीप द मैग्नेटाइजेशन करंट एट द सेम लेवल। मैग्नेटाइजेशन करंट को सेम लेवल पर रखने का क्या मतलब है, मैग्नेटाइजेशन करंट इसको मैं IM से डिनोट करूंगा, तो ये जो हमारा मैग्नेटाइजेशन करंट IM है इसको सेम लेवल पर रख रहा है, इट मींस IM इज कांस्टेंट, राइट। जो मैग्नेटाइजेशन करंट है IM इसको कांस्टेंट रखा जा रहा है दोनों ही केस में। फर्स्ट केस है जब आप 50 हर्ट्ज अप्लाई करते हो, दूसरा केस है जब आप 25 हर्ट्ज अप्लाई करते हो। दोनों ही केस में IM की वैल्यू होनी चाहिए सेम, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जब IM की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो व्हाट अबाउट द फ्लक्स, phi m भी होगा कांस्टेंट, है ना। जितना फ्लक्स ट्रांसफार्मर के कोर में 50 हर्ट्ज सप्लाई देने पर आएगा उतना ही फ्लक्स आना चाहिए 25 हर्ट्ज सप्लाई देने पर। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब देखो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, फ्रीक्वेंसी इनटू फ्लक्स के, राइट। आपने क्या कहा है कि जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों ही केस में फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, चाहे आप 50 हर्ट्ज अप्लाई करो या फिर 25 हर्ट्ज अप्लाई करो, phi m की वैल्यू शुड बी कांस्टेंट, राइट। अब फर्स्ट केस में आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है लो वोल्टेज साइड, यहां पर क्या लिखा हुआ, लो वोल्टेज वाइंडिंग, राइट। लो वोल्टेज साइड इट मींस 230 वोल्ट साइड, आपने 230 वोल्ट अप्लाई किया है 50 हर्ट्ज के साथ, और जब आप 25 हर्ट्ज अप्लाई करते हो तब यहां का वोल्टेज कितना होना चाहिए ये हमसे पूछा है। आपने क्या किया है, 50 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज कर दिया है, इट मींस फ्रीक्वेंसी को आपने हाफ किया है। यहां पर देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है आपने इसको हाफ कर दिया है, तो जब आप फ्रीक्वेंसी को हाफ करोगे और फ्लक्स को रखोगे कांस्टेंट, व्हाट अबाउट द वोल्टेज, वोल्टेज शुड बी हाफ, ओके, वोल्टेज भी हमारा हाफ होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में आपने वोल्टेज अप्लाई किया था 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी था कितना, 50 हर्ट्ज, इस फ्रीक्वेंसी को आपने हाफ करके 25 हर्ट्ज कर दिया, तो जो वोल्टेज है ये भी हमारा हाफ हो जाएगा, इट मींस 115 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 115 वोल्ट, इट मींस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज्ड कीपिंग द सप्लाई वोल्टेज कॉन्स्टेंट, फिर इसने क्या कहा है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी इनटू फ्लक्स। इसने क्या बोला है कि जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ट्रांसफार्मर का वो इंक्रीज हुआ है कीपिंग द सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट। ये जो सप्लाई वोल्टेज है दिस इज कांस्टेंट, सप्लाई वोल्टेज इज कांस्टेंट, बट आपने क्या किया है, आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा दिया। फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज हुआ है वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करना है, व्हाट अबाउट द phi m, phi m शुड बी रिड्यूस्ड, राइट। phi m को तो रिड्यूस होना पड़ेगा तभी तो फ्रीक्वेंसी और phi m का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट, राइट। तो phi m को यहां पर रिड्यूस होना पड़ेगा। अब ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन में इसने क्या बोला है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट एंड कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट के बारे में पूछा है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, जो फ्लक्स है ट्रांसफार्मर के कोर का जो फ्लक्स है phi m, हमने यहां से देखा कि phi m विल बी रिड्यूस्ड, है ना, phi m हमारा रिड्यूस हो जाएगा। जब phi m रिड्यूस होता है तो व्हाट अबाउट द मैग्नेटाइजिंग करंट, इट मींस IM क्या होगा, IM भी रिड्यूस हो जाएगा।
आई एम रिड्यूस्ड होगा तभी तो फ्लक्स हमारा रिड्यूस होगा, है ना। तो फ्लक्स को रिड्यूस होने के लिए आई एम को रिड्यूस होना पड़ेगा। आई एम क्या है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है, ठीक है। तो यहाँ से जो दो पार्टिस ने पूछा है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट के बारे में और दूसरा कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट के बारे में, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट के बारे में हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है आई एम, उसको रिड्यूस होना पड़ेगा। अब ये बचा है कि कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट को कैसा बिहेव करना चाहिए, उसके बारे में हमें जानना है, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। अब जो कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट है, इसको मैं लिखूंगा आई सी। आई सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आई सी रिस्पॉन्सिबल है कोर में होने वाले लॉसेस के लिए, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोर लॉस। अब कोर में कौन कौन से लॉस होते हैं? कोर में होते हैं दो तरह के लॉस, एक हो जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा होगा एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, दो तरह के लॉस होंगे। हिस्टेरेसिस लॉस को मैं लिखूंगा पी एच और एडी करंट लॉस को मैं लिखता हूं पी ई। दो तरह के लॉस होंगे। यदि मुझे इन दोनों ही तरह के लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि फ्रीक्वेंसी से इनका क्या रिलेशन है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इसी के बेस पर है कि जो हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमने उसको इंक्रीज किया है, राइट। तो हमें ये जानना है कि हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस का क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, तब हम बता पाएंगे कि जो इसका आईसी है यानी कि कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट है, उसमें क्या चेंजेस होंगे, क्या वो इंक्रीज करेगा, क्या वो डिक्रीज करेगा या फिर कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिस्टेसिस लॉस के बारे में, पी एच। जो हमारा हिस्टेसिस पावर लॉस होगा उसका फ्रिक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है? हिस्टेसिस लॉस जो होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अप्लाइड वोल्टेज स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फ्रिक्वेंसी। वी स्क्वायर अपॉन एफ के प्रोपोर्शनल होता है हिस्टेसिस पावर लॉस, राइट। यदि मैं एडी करंट लॉस की बात करूं तो जो हमारा एडी करंट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज स्क्वायर के, बट इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से, राइट। पीई के बारे में जो एडी करंट लॉस है, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से ये इंडिपेंडेंट रहेगा, राइट। अब ये जब फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट रहेगा और हमें क्वेश्चन में कहा गया कि हमने सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, तो आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर लो या फिर आप उसको डिक्रीज कर लो, एडी करंट लॉस को क्या करना है? उसको कोई लेना देना नहीं है सप्लाई फ्रीक्वेंसी से, तो एडी करंट लॉस विल बी कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से जो एडी करंट लॉस आया है ये क्या आएगा? दिस इज कॉन्स्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हिस्टेरेसिस पावर लॉस के बारे में, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने क्या कहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है, तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे बाय कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट, ये जो वोल्टेज है इसको आपने कांस्टेंट रखा है तो वी स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इंक्रीज्ड टर्म, फ्रीक्वेंसी को आपने इंक्रीज किया है तो व्हाट अबाउट द हिस्टेरेसिस पावर लॉस? ये हो जाएगा रिड्यूस्ड, राइट। तो ओवरऑल हमें क्या मिला है कि जो हिस्टेसिस पावर लॉस है वो तो रिड्यूस हो चुका है, लेकिन लेकिन जो एडी करंट पावर लॉस है वो कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, इसमें कोई फर्क नहीं आया, ओके। यदि मैं ओवरऑल टोटल कोर लॉस की बात करूं तो टोटल कोर लॉस, यदि मैं इसको पीसी लिखूं कोर लॉस, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो रिड्यूस हो जाएगा, है ना, क्योंकि एडी करंट लॉस हमारा रिड्यूस हो चुका है। तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराने से ट्रांसफार्मर के जो कोर में लॉस हो रहा है ना, वो लॉस रिड्यूस हो गया है। और जब लॉस रिड्यूस हुआ है तो व्हाट अबाउट द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट? जब लॉस रिड्यूस हुआ है इट मींस करंट भी रिड्यूस हुआ होगा, इज इट ओके और नॉट? इट मींस जो हमारा आईसी करंट है ये क्या होगा? ये रिड्यूस हो जाएगा, ओके। तो दो पार्ट था, एक तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट के बारे में बताना था, तो आई एम मैंने बताया कि आई एम रिड्यूस करेगा, और आई सी के बारे में बताना था यानी कि कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट के बारे में, ये भी हमें क्या मिला है? ये भी रिड्यूस हो जाएगा, दोनों रिड्यूस होगा।
अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए, ऑप्शन ए में गिवन है बोथ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट विल डिक्रीज, दोनों डिक्रीज करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें क्या कहा है, द वोल्टेज द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ अ सर्टेन ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज्ड बाय 75%। यहां पर इस वर्ड पर भी ध्यान देना, इंक्रीज्ड बाय 75%। और इसने क्या कहा, व्हाइल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू 25%। एक में है इंक्रीज्ड बाय, दूसरा है रिड्यूस्ड टू 25%। द मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी विल व्हाट, यहां पर इसने क्या कहा है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको इंक्रीज किया गया है, कितने से, 75% से इंक्रीज किया गया है, और जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया गया है, रिड्यूस्ड टू 25%। ओके, और आपको फ्लक्स के बारे में जानना है, कोर फ्लक्स के बारे में आपको फाइंड आउट करना है कि वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। ओके, तभी तो आप बता पाओगे कोर फ्लक्स डेंसिटी। तो सबसे पहले हमें कोर फ्लक्स के बारे में जानना होगा। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, इज इक्वल टू नहीं, आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन एफ, राइट। अब इसने क्या कहा है कि चलो फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं कि फाइव एम वन कर दो, फाइव एम वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन एफ, या फिर आप ऐसे कर लो, वन यहां मत लिखो, ऐसे लिख लो कि फाइव एम, फर्स्ट केस में जो फाइव एम है इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज वी है और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है एफ, ये है, दिस इज केस वन। और केस टू में हम फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे, फाइव एम टू, ये कितना होगा, केस टू में जो वोल्टेज है वो 75% से इंक्रीज हुआ है, इट मींस 1.75 टाइम्स ऑफ वी है, पहले था वी, अब 75% से इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा, V प्लस 0.75 टाइम्स ऑफ V, इट मींस 1.75 V, राइट, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड टू 25%, इट मींस पहले फ्रीक्वेंसी थी F, अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, 25% ऑफ F, इट मींस 0.25 F, ये है। ओके सो इसको आप क्या लिखोगे, 1.75 डिवाइडेड बाय 0.25, 1.75 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल टू 7, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 7 इंटू वी बाय एफ, राइट। और ये जो हमारा वी बाय एफ है ये क्या है, दिस वी बाय एफ इज फर्स्ट केस का 5m, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5m2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 5m, है ना, ये 5m क्या है, फर्स्ट केस का है, और ये 5m2 क्या है, सेकेंड केस का है, तो जो सेकेंड केस में फ्लक्स आया है वो प्रीवियस केस के फ्लक्स के 7 टाइम्स आया है, तो जब फ्लक्स 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, फ्लक्स क्या हो गया, 7 टाइम्स हुआ है, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी भी 7 टाइम्स हो जाएगा, राइट, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर का कोर है, कोर तो सेम है, जब कोर सेम है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा, एरिया सेम होगा तो जिस रेशियो से फ्लक्स चेंज होगा उसी रेशियो से फ्लक्स डेंसिटी भी चेंज होगा, राइट। फ्लक्स चेंज होता है 7 टाइम्स, तो फ्लक्स डेंसिटी भी चेंज होगा 7 टाइम्स, राइट। सो ऑप्शन को देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है इंक्रीज बाय 7 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए इसको, If the applied voltage to a transformer primary is increased by keeping V by F ratio fixed, V by F को fix रख रहा है, but क्या कर रहा है, If the applied voltage is increased, applied voltage, voltage को आप increase कर रहे हो, but आपका purpose क्या है, V upon F को constant रखना है, इसको fix रखना है, तो जिस रेशियो से वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो आपको क्या करना होगा, उसी रेशियो से फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करनी होगी, तभी तो वी बाय एफ हमारा फिक्स होगा, वी बाय एफ कांस्टेंट होगा, राइट। यानी कि आप वोल्टेज को इंक्रीज तो कर ही रहे हो, साथ ही आप
फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज कर रहे हो और सेम रेशियो में इंक्रीज कर रहे हो, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहे हो, राइट। सो वी बाय एफ आपका है फिक्स्ड। वी बाय एफ फिक्स्ड कहने का क्या मतलब है कि जो इसमें फ्लक्स होगा फाइव एम, फाइव एम क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट होगा, फाइव एम इज कॉन्स्टेंट, राइट। अब आगे पढ़िए, देन द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड द कोर लॉस विल रेस्पेक्टिवली। मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में बताना है कि क्या वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा या रिमेन सेम रहेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो जब फ्लक्स कॉन्स्टेंट रह चुका है, फ्लक्स इज कॉन्स्टेंट, सो वॉट अबाउट द आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट भी कॉन्स्टेंट होगा, इज इट ओके और नॉट। फाइ एम कॉन्स्टेंट, क्यों कॉन्स्टेंट, आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया और साथ ही आपने फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज किया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है इंक्रीज किया या नहीं किया, बट इसने ये जो लिख दिया कि वी बाई एफ रेशियो को फिक्स रखना है, इट मीन्स जिस रेशियो से आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया है उसी रेशियो से आप फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज कर रहे हो, और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों जब सेम रेशियो से या तो इंक्रीज करें या फिर दोनों को या फिर दोनों डिक्रीज करें, फाइव एम हमारा होगा कॉन्स्टेंट, और जब फाइव एम होगा कॉन्स्टेंट तो आई एम होगा कॉन्स्टेंट, मैग्नेटाइजिंग करंट होगा कॉन्स्टेंट, राइट। नाउ वॉट अबाउट द कोर लॉस, कोर लॉस पर क्या फर्क पड़ेगा, फिर से वही आपको देखना है। कोर लॉस में दो तरह के लॉस होंगे, कोर लॉस पीसी, पीसी इज इक्वल टू व्हाट, हिस्टेरेसिस पावर लॉस प्लस एडी करंट लॉस, ओके। यहां पर ये जो एडी करंट लॉस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आपने कहा है कि आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, तो जब आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो तो व्हाट अबाउट द पीई, पीई भी इंक्रीज करेगा, है ना, पीई इंक्रीज करेगा, ओके। अब देखिए पीएच, हिस्टेरेसिस पावर लॉस, इसको कैसे लिखते हैं, हिस्टेरेसिस पावर लॉस हो जाएगा पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी बाय एफ इंटू वी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो वी बाय एफ है ये तो कांस्टेंट है, वी बाय एफ इज व्हाट, वी बाय एफ इज कांस्टेंट, हमने यहां पर फिक्स किया ना, वी बाय एफ इज फिक्स्ड, तो वी बाय एफ तो कांस्टेंट है, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है वी, जब हमने उसमें V से मल्टीप्लाई किया और वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, इट मींस हिस्टेरेसिस पावर लॉस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो pH की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। ओवरऑल हमें क्या मिला कि हिस्टेरेसिस पावर लॉस भी इंक्रीज करेगा, एडी करंट लॉस भी इंक्रीज करेगा, जब दोनों पावर लॉस इंक्रीज करेगा तो व्हाट अबाउट द कोर लॉस, कोर लॉस इंक्रीज होगा, है ना। सो पीसी कोर लॉस इंक्रीज करेगा। ओवरऑल रिजल्ट क्या आया है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है कांस्टेंट और कोर लॉस इंक्रीज होगा। ऑप्शंस को देख लीजिए, मैग्नेटाइजिंग करंट रिमेन्स द सेम, कोर लॉस इंक्रीजेस, राइट, यानी कि ऑप्शन डी, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The core flux in transformer depends mainly on what? Core flux in transformer depends mainly on what? Core flux phi m किस पे डिपेंड करता है? Directly proportional to V upon F, voltage upon frequency पर डिपेंड करता है, यानी कि इसका रिलेशन वोल्टेज के साथ भी है और फ्रीक्वेंसी के साथ भी है। ऑप्शन ए में है सप्लाई वोल्टेज, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में है सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, यह करेक्ट। ऑप्शन सी में है सप्लाई वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड लोड। जब लोड आ गया तो थोड़ा सा यहां पर विचार करने की जरूरत है कि क्या लोड पे डिपेंड करेगा, कोर फ्लक्स क्या लोड पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए तो ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट फ्लक्स मशीन बोलते हैं, कॉन्स्टेंट फ्लक्स मशीन। चाहे ट्रांसफॉर्मर को आप फुल लोड पे लगा दो, हाफ लोड पे लगा दो, या फिर थ्री फोर्थ लोड पे उसको आप कनेक्ट कर दो,
जो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स होंगे, ट्रांसफार्मर के कोर में जो फ्लक्स होगा वो होगा कांस्टेंट, राइट, लोड पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां से लोड वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। अब इसने क्या कहा है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो इनकरेक्ट ही है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज रेटेड 110 बाय 440 वोल्ट, 2.5 KVA, ये है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की रेटिंग। लीकेज रिएक्टेंस मेजर फ्रॉम द लो टेंशन साइड इज 0.06 ओम, द पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस विल बी व्हाट। इसमें पर यूनिट वैल्यू आपसे पूछा है, पर यूनिट वैल्यू इसने पूछा है, लेकिन उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो लीकेज रिएक्टेंस है मेजर किया गया है फ्रॉम लो वोल्टेज साइड, लो टेंशन साइड मीन्स लो वोल्टेज साइड, राइट। तो लो वोल्टेज साइड क्या है, प्राइमरी है ना। यहाँ पर देखो 110, दिस इज V1, 440 V2, तो प्राइमरी साइड है लो वोल्टेज, राइट। तो मैं प्राइमरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस है, इसको मैं X1 लिख रहा हूँ। X1 की वैल्यू कितनी है, 0.06 ओम, दिस इज द वैल्यू ऑफ X1। अब हमें लो वोल्टेज साइड जेड बेस फाइंड आउट करना है, बेस इंपेडेंस, बेस इंपेडेंस जेड बेस किस साइड, लो वोल्टेज साइड। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लो वोल्टेज साइड की जो वोल्टेज रेटिंग है वी एल वी, इसका करना है स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग है। ओके, सो जेड बेस एल वी साइड, ये हो जाएगा लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज कितना है 110, 110 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय एस, एस की वैल्यू कितनी है 2.5 KVA, इट मीन्स 2500। ओके, कैलकुलेट कर लीजिए। फोर पॉइंट एट फोर आया है, दिस इज 4.84 ओम, ये है जेड बेस, राइट। आपको पर यूनिट में लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लीकेज रिएक्टेंस X1 प्राइमरी साइड का इन पर यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, X1 इन ओम डिवाइडेड बाय जेड बेस। X1 इन ओम कितना है 0.06 ओम, डिवाइडेड बाय जेड बेस की वैल्यू कितनी है 4.84, इट मीन्स 0.0, दिस इज 0.0124, 0.0124 पर यूनिट, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, बी, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसने क्या कहा, द लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन व्हाट। ट्रांसफार्मर में जो लीकेज फ्लक्स होता है वो डिपेंड किस पे करता है, लीकेज फ्लक्स क्या वो अप्लाइड इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करता है, नो, लीकेज फ्लक्स इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्या वो टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है, नो। क्या वो लोड करंट पे डिपेंड करता है, यस। क्या वो म्यूचुअल फ्लक्स पे डिपेंड करता है, नो, ठीक है। अब जो लोड करंट पे डिपेंड करता है इसके बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है। जो लीकेज फ्लक्स है इसके बारे में क्या लिखोगे, कि दो वाइंडिंग्स हैं ट्रांसफॉर्मर, एक तो प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी, तो जो प्राइमरी साइड का करंट होगा उस पे डिपेंड करेगा प्राइमरी साइड का लीकेज फ्लक्स, प्राइमरी लीकेज फ्लक्स डिपेंड्स ऑन करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करेगा उस पे डिपेंड करेगा प्राइमरी साइड का लीकेज फ्लक्स, राइट, और सेकेंडरी साइड का लीकेज फ्लक्स, सेकेंडरी साइड लीकेज फ्लक्स सेकेंडरी साइड का लीकेज फ्लक्स जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड्स ऑन
करंट इन व्हाट सेकेंडरी वाइंडिंग, करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में कौन सा करंट फ्लो करेगा, सेकेंडरी साइड हम लोड को कनेक्ट करते हैं तो जितना करंट लोड में फ्लो करेगा उतना ही करंट तो सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो करेगा, राइट तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करता है इट मींस यही है लोड करंट और इसी करंट पर डिपेंड करता है सेकेंडरी साइड का लीकेज फ्लक्स, राइट तो इसमें से सिर्फ यहां पर लिखा हुआ है लीकेज फ्लक्स और ऑप्शन में है लोड करंट, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द पावर ट्रांसफार्मर इज अ व्हाट, एक पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑप्शन ए में है कांस्टेंट करंट डिवाइस, क्या ये कांस्टेंट करंट डिवाइस है, क्या ये कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस है या फिर कांस्टेंट पावर डिवाइस है, ये तीनों नहीं होता है, तीनों नहीं होता, ना तो ये कांस्टेंट करंट डिवाइस है, कांस्टेंट करंट होता है क्या, साइनोसोइडल करंट होता है ना, पावर ट्रांसफार्मर एसी पे ऑपरेट करता है, कांस्टेंट करंट इसमें नहीं होता है, साइनोसोइडल करंट होता है, वेरिंग करंट होता है, वोल्टेज भी वेरिंग होता है और साथ ही इसमें जो पावर है पावर भी वेरी करता है, राइट पावर को कांस्टेंट कभी ट्रीट मत करना. हाँ ये अलग है कि अगर मैं प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड की बात करूं, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड की मैं बात करूं तो एक साइड से दूसरे साइड जो वोल्टेज ट्रांसफर होते हैं उसकी वैल्यू मिसमैच होती है अकॉर्डिंग टू द टर्न्स रेशियो, जो करंट ट्रांसफर होता है वो भी मिसमैच होता है, एक साइड ज्यादा करंट होगा दूसरी साइड कम करंट होगा, एक साइड ज्यादा वोल्टेज होगा दूसरी साइड कम वोल्टेज होगा अकॉर्डिंग टू द टर्न्स रेशियो, ठीक है, लेकिन पावर दोनों साइड सेम होता है, पावर दोनों साइड सेम होता है, इट डजंट मीन कि कॉन्स्टेंट पावर डिवाइस है, पावर भी तो पल्सेटिंग होगा ना, कॉन्स्टेंट तो नहीं होगा पावर, राइट सो लास्ट ऑप्शन देखिए पल्सेटिंग मेन फ्लक्स डिवाइस, तो यहां जो इसका जो मेन फ्लक्स है वो क्या है, पल्सेटिंग है, राइट सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहता है, फॉर एन आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो आइडियल है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विथ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो एन इज टू वन, प्राइमरी टू सेकेंडरी एन इज टू वन है, इट मींस प्राइमरी साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय वन, ऐसा होगा ये रिलेशन बनेगा यहाँ. द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस इनपुट पावर टू द इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर इज वॉट, इनपुट पावर मीन्स प्राइमरी साइड है ना, इनपुट मीन्स प्राइमरी साइड, आउटपुट मीन्स सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड, राइट. अब देखो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर और इस साइड में लिखता हूं कि सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, राइट. देखिए ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड में वोल्टेज है वी वन, मैंने एज्यूम कर लिया कि वोल्टेज है वी वन प्राइमरी साइड में, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कितना होगा, टर्न्स रेशियो को ध्यान में रखो, टर्न्स रेशियो है एन इज टू वन, तो यदि प्राइमरी साइड का वोल्टेज होगा वी वन तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या होगा, वी वन डिवाइडेड बाय एन, राइट. यदि प्राइमरी साइड का करंट है आई वन तो सेकेंडरी साइड का करंट क्या होगा, एन टाइम्स ऑफ आई वन, दिस इज एन इंटू वॉट आई वन, ये होगा. ओके अब प्राइमरी साइड का पावर फाइंड आउट कर लो, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर एस, इस साइड का जो पावर होगा वो क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट यानी कि वी वन इंटू आई वन, राइट. यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो, क्योंकि इसके साथ एंगल भी आता है, राइट एंगल भी होगा, बट सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, वी वन इंटू आई वन. अब सेकेंडरी साइड यदि मैं पावर को फाइंड आउट करूं, एपरेंट पावर, इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड वोल्टेज है वी वन अपॉन एन और करंट इस साइड कितना है, एन अपॉन आई वन, तो क्या हो जाएगा, n और n हो गया कैंसल आउट, इट मींस s इज इक्वल टू क्या हो गया, v1 अपॉन v1 इनटू i1, सेकेंडरी साइड पावर है v1 इनटू i1 और प्राइमरी साइड पावर है v1 इनटू i1. प्राइमरी साइड का पावर इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी इंस्टेंट पर डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड का पावर क्या हो जाएगा, 1,
वन ही होगा ना, क्योंकि दोनों तो पावर सेम है। तो जब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, रेशियो रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, वी वन आई वन डिवाइडेड बाय वी वन आई वन, राइट। प्राइमरी साइड का पावर है वी वन आई वन और सेकेंडरी साइड का पावर है वी वन आई वन। रेशियो क्या हो गया, वन इज टू वन, रेशियो इज वन इज टू वन। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर द ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी साइड इज व्हाट, ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी साइड। ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज और टर्न्स रेशियो, वोल्टेज और टर्न्स का जो रिलेशन है वो कैसा होता है, प्राइमरी साइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड वोल्टेज इज इक्वल टू प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। यदि मैं बात करूं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं कि वी वन अपॉन एन वन, यहां जो एन वन है उसको मैं यहां डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं और यहाँ जो वी टू है इसको मैं यहाँ न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ एन वन, दिस इज इक्वल टू वी टू डिवाइडेड बाय एन टू। नाउ नाउ वी वन डिवाइडेड बाय एन वन इज वॉट, वी वन है प्राइमरी साइड का वोल्टेज, एन वन है प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स। तो वोल्टेज पर टर्न, यही तो हो गया ना, ये क्या हो गया, वोल्टेज पर टर्न, या फिर आपको हो तो ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न। वी वन को एन वन से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही होगा क्या, ई एम एफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी साइड। अब वी टू को जब आप एन टू से डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएंगी वो क्या हो जाएगा, ई एम एफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी साइड। ओके ये दोनों क्या है, यहाँ देखो ये साइन क्या है, इक्वल का साइन है, दिस साइन इज इक्वल। तो ई एम एफ पर टर्न प्राइमरी साइड, ई एम एफ पर टर्न सेकेंडरी साइड, बोथ आर इक्वल। ओके सो इसमें कहा है ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी साइड इज सेम एज ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी साइड, ऑप्शन ए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहता है, द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ अ 250 बाय 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डिटरमिन द लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टर्न्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इफ ईएमएफ पर टर्न इज 8 वोल्ट। यहां पर गिवन है ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न इज इक्वल टू व्हाट, 8 वोल्ट। पर टर्न में ईएमएफ 8 वोल्ट गिवन है, इट मींस किस साइड का, दोनों में से किसी भी साइड का ले लो, प्राइमरी साइड का ईएमएफ पर टर्न 8 वोल्ट, सेकेंडरी साइड का ईएमएफ पर टर्न 8 वोल्ट। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इसने दी थी कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, इसका क्या यूज है, देयर इज नो यूज। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है कि आप उसके थ्रू कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करो, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं है, यहाँ पर कोई यूज नहीं है। एलवी साइड का वोल्टेज कितना गिवन है, वोल्टेज ऑफ एलवी साइड कितना है, 250 वोल्ट। ट्रांसफॉर्मर के रेटिंग देख लो यहां पर 250 वोल्ट, और एलवी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स एन एलवी, सॉरी एन एलवी हमें पता नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। और पर टर्न जो वोल्टेज है वो कितना है, 8 है। इट मींस वी एलवी डिवाइडेड बाय एन एलवी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 8। तो यहां से आप एन एलवी फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स एलवी साइड का, ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज एलवी साइड का डिवाइडेड बाय 8। एलवी साइड का वोल्टेज कितना है, 250, 250 डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, एलवी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स। सिमिलरली एचवी साइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे एन एचवी, ये क्या हो जाएगा, एचवी साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय ईएमएफ पर टर्न विच इज 8 वोल्ट। एचवी साइड का वोल्टेज कितना है, 3000, 3000 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा एन एचवी। थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बाई एट करोगे तो 375 आएगा, दिस इज 375। हाई वोल्टेज साइड में 375, लो वोल्टेज साइड में कितना है, 250 डिवाइडेड बाई एट, इट मीन्स 31.25। देखो 31.25 है तो इसके नियर अबाउट आप ले लोगे 32 टर्न्स। ओके तो लो वोल्टेज साइड में कितने टर्न्स हैं, 32,
हाई वोल्टेज साइड में कितने टर्न्स हैं, 375, तो 32 एंड 375। कन्फ्यूज होके इसको मार्क मत कर देना, लो वोल्टेज में इसने दिखाया है 375 और हाई वोल्टेज में है 32, ये आंसर नहीं होगा। लो वोल्टेज में 32 और हाई वोल्टेज में 375, ऑप्शन डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द वाइंडिंग्स शुड हैव व्हाट। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए वाइंडिंग कैसी होनी चाहिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर उसमें कोई भी पावर लॉस नहीं होगा। आइडियल ट्रांसफॉर्मर कॉपर लॉस इज जीरो, आयरन लॉस इज जीरो। जब कॉपर लॉस जीरो है इट मींस आर इक्विवेलेंट विल बी जीरो। आर इक्विवेलेंट जीरो है इट मींस प्राइमरी साइड का रेसिस्टेंस जीरो है और सेकेंडरी साइड का रेसिस्टेंस जीरो है। ट्रांसफॉर्मर के दोनों साइड के जो वाइंडिंग्स हैं उसका रेसिस्टेंस है जीरो, है ना। इसने क्या पूछा है, द वाइंडिंग्स शुड हैव व्हाट, द वाइंडिंग्स शुड हैव जीरो रेसिस्टेंस। ऑप्शन ए में देखिए मैक्सिमम रेसिस्टेंस गिवन है, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में लीस्ट रेसिस्टेंस ऑन प्राइमरी मैक्सिमम ऑन सेकेंडरी, इनकरेक्ट। इक्वल रेसिस्टेंस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, नो यूज, इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इक्वल है तो क्या हो गया, अगर 5 ओम 5 ओम है तो उससे क्या मतलब, वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं होगा ना। अच्छा लास्ट ऑप्शन में नो ओमिक रेजिस्टेंस ऑन ईदर साइड, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके क्वेश्चन नंबर 13, अ सिंगल फेज 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ क्वाइल ऑफ द गिवन सर्किट, क्वाइल ऑफ द गिवन सर्किट। ओके द क्वाइल हैज 200 टर्न्स, द पैरामीटर्स ऑफ द कोर आर एज फॉलोज। लेंथ ऑफ द कोर है 100 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, रिलेटिव परमियबिलिटी ऑफ द कोर है 2500। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर। फ्लक्स डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, फ्लक्स डेंसिटी मीन्स बी, बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बी क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया हमें गिवन है, सबसे पहले हम फ्लक्स को फाइंड आउट कर लें, फाई को, राइट। फाई को हमें फाइंड आउट करना है कि फाई इज इक्वल टू व्हाट। मेन मोटिव हमारा क्या है, फाई को कैलकुलेट करना है कि फाई इज व्हाट। ओके फाई को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो एन डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है, एन डी फाई अपॉन डी टी व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द क्वाइल, है ना, वोल्टेज अक्रॉस द क्वाइल। और यहां पर क्या कहा है, कितना वोल्ट कनेक्टेड है, 120 वोल्ट कनेक्टेड है 60 हर्ट्ज सप्लाई के साथ कनेक्टेड टू द क्वाइल। एक क्वाइल में 120 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया गया है, तो जो 120 वोल्ट है वो कैसा वोल्टेज है, वो आर एम एस वैल्यू है, 120 वोल्ट आर एम एस वैल्यू है, राइट। तो पीक वैल्यू कितनी होगी, 120 रूट टू, राइट। यहां पर मैं लिख देता हूं वी आर एम एस इज इक्वल टू 120 वोल्ट, आर एम एस वैल्यू है। तो पीक वैल्यू कितनी होगी, वी पी 120 इंटू रूट टू वोल्ट, ये हो जाएगा पीक वैल्यू, राइट। यदि हम इसको साइनसोइडल के फॉर्म में लिखें, क्योंकि क्वाइल में जो आप वोल्टेज को अप्लाई करोगे 60 हर्ट्ज के साथ वो कैसा होगा, साइनसोइडल होगा, राइट, साइनसोइडल होगा वो। यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं यहाँ पर कॉस का फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। वोल्टेज जो है वो कोसाइन के फॉर्म में है, तो कितना हो जाएगा, पीक वैल्यू है 120 रूट टू और कॉस ओमेगा टी लिख देता हूँ, ठीक है। साइन ले लो या फिर कॉस ले लो। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सारे के सारे साइन में है, ऑप्शन साइन में है, यानी कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स हमारा साइन में होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर वोल्टेज को लिया है कॉस में, राइट। अगर ऑप्शंस में कॉस होता है तो हम वहां पर साइन लेते हैं, ठीक है। ओके अब यहाँ पर ओमेगा की कितनी वैल्यू है, ओमेगा ओमेगा हो जाएगा 2πf, राइट। ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज 2πf, चलो ठीक है उसको हम बाद में देखेंगे, ओमेगा इज 2πf। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 200 टर्न्स है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 200 डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू व्हाट, 120 रूट टू कॉस ओमेगा टी,
आपको अल्टीमेट फ्लक्स को फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 120 रूट टू डिवाइडेड बाई 200 कॉस ओमेगा टी, राइट। डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू 120 रूट टू डिवाइडेड बाई 200 कॉस ओमेगा टी, और इधर हो जाएगा डी टी। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डी फाई है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन में जो स्टार्टिंग में यहाँ पर कांस्टेंट गिवन है 120 रूट टू डिवाइडेड बाई 200, ये तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लो। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉस ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉस ओमेगा टी डी टी इसका इंटीग्रेशन करना है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में। कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में होगा साइन ओमेगा टी, लेकिन कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, राइट। इस चीज का ध्यान रखना, तो फाई इज इक्वल टू 120 रूट टू डिवाइडेड बाय 200 इंटू वॉट, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा से डिवाइड करना मत बोलना भाई, ठीक है। अब ओमेगा की जगह पर क्या पुट करोगे, 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा, राइट। चलो ठीक है, फ्लक्स तो आपको मिल गया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है, फ्लक्स डेंसिटी। तो आपको फाइंड आउट करना है बी, बी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बी इज इक्वल टू होता है फ्लक्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है ये कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन आपको किस में चाहिए, आपको तो मीटर स्क्वायर में चाहिए होगा जो यूनिट है, राइट। सो मीटर स्क्वायर में इसको कैसे लिखोगे, 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू इतनी है। सो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से ले लो फ्लक्स को, यानी कि ये हो जाएगा 120 रूट टू डिवाइडेड बाय 200 इंटू ओमेगा, ओमेगा को मैं लिखूंगा 2 पाई एफ, सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ज, ऊपर में है साइन ओमेगा टी, ओके। अब ये तो फ्लक्स है, फ्लक्स में हमें डिवाइड करना है क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो मैं इसमें डिवाइड क्या करूंगा, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसको सिर्फ आपको कैलकुलेट कर लेना है, राइट। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना कितना वैल्यू आएगा, वेट अ सेकंड, 60 इंटू 20 इंटू 200 10 टू द पावर 4 इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू रूट टू, 1.1254 आया है, कितना आएगा, 1.1254 साइन ओमेगा टी, ये आया है बी की वैल्यू। अब जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में 1/something के फॉर्म में आता है, ठीक है, तो इसका हम इन्वर्स कर देंगे, 1/1.1254 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.888, इट मीन्स इसको मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू 1/0.888, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू पुट कर लो, 2π60, 2πf इंटू टी, जिस तरीके का ऑप्शन है वैसा हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। अब इसके साथ मैच कराओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट,
टेम्परेचर में जो राइज होगा, जो इंक्रीमेंट होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ओके, सो इसमें आप देखोगे किसने कहा है कि टेम्परेचर राइज हुआ है, टेम्परेचर का राइज हुआ है ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। टेम्परेचर का जो राइज हुआ है कौन रिस्पॉन्सिबल है, किस पे डिपेंड करता है, क्यों हुआ है ये, वाई टेम्परेचर राइज क्यों हुआ है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर का कोर है उसमें हीट डेवलप हुआ होगा, है ना, हीट डेवलप हुआ होगा। अच्छा, हीट डेवलप क्यों हुआ, वाई हीट डेवलप क्यों हुआ, क्योंकि उसमें हुआ होगा पावर लॉस, राइट, उसमें हुआ होगा पावर लॉस। अब जो पावर लॉस है उसमें दो तरह के पावर लॉस होंगे, दो तरह के पावर लॉस होंगे, एक हो जाएगा आयरन लॉस और दूसरा हो जाएगा कॉपर लॉस, राइट। आयरन लॉस तो फिक्स है, इसका लोड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, चाहे आप ट्रांसफार्मर को नो लोड पे रखो, फुल लोड पे रखो, हाफ लोड पे रखो, 1/4 लोड पे रखो, किसी भी लोड पे इसको आप ऑपरेट कराओ, आयरन लॉस होगा कॉन्स्टेंट, दिस इज फिक्स्ड, राइट। अब यहां जो कॉपर लॉस है इसका रिलेशन है कुछ केवीए के साथ, यानी कि एपरेंट पावर के साथ इसका कुछ रिलेशन है। ट्रांसफॉर्मर में जो आप लोड को कनेक्ट करोगे उसका जो केवीए होगा, लोड का जो केवीए होगा उस पे डिपेंड करता है कॉपर लॉस, और किस तरीके से डिपेंड करता है, तो जो कॉपर लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस लोड, लोड का जो केवीए है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। इसने पूछा है कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो व्हाट इज दिस, दिस इज एपरेंट पावर, दिस इज एपरेंट पावर, राइट, एपरेंट पावर स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल है वो, राइट। ऑप्शंस को देख लीजिए, ऑप्शन ए में है लीकेज रिएक्टेंस नहीं होगा, रिएक्टिव पावर नहीं होगा, पावर फैक्टर नहीं होगा, एपरेंट पावर होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसने क्या कहा है, सी आर जीओ लैमिनेशन इन अ ट्रांसफॉर्मर आर यूज टू मिनिमाइज व्हाट, सी आर जीओ का कोर हम यूज करते हैं, सी आर जीओ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, इस तरीके का कोर हम यूज करते हैं। एक होता है हॉट रोल्ड भी होता है ना, एक होता है हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, इसको हम यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करते हैं, सीआरजीओ मटेरियल को हम यूज करते हैं। सीआरजीओ हम क्यों यूज करते हैं, इसकी वजह से जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो भी कम होगा और साथ ही जो एडी करंट इसमें लॉस होगा वो भी कम होगा, यानी कि ओवरऑल जो कोर लॉस होगा ट्रांसफार्मर का वो कम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस को देखिए, इसमें एडी करंट लॉस है, इसमें ओमिक लॉस है, ओमिक लॉस तो नहीं होगा, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस है, लेकिन लास्ट ऑप्शन में है एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों हैं, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कहा, इन अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग अ टर्न्स रेशियो ऑफ 1:5, टर्न्स रेशियो कितना है, 1:5 है, प्राइमरी साइड अगर 1 टर्न्स है, 1 टर्न है, तो सेकेंडरी साइड हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न 5, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल, जिस साइड ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसी साइड कनेक्ट किया गया 1000 ओम का एक रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी विल बी व्हाट, प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो करेगा उसको कितना रेसिस्टेंस ऑफर करना पड़ेगा, कितने रेसिस्टेंस का उसको सामना करना पड़ेगा जो प्राइमरी साइड में करंट फ्लो करेगा उसको, बिकॉज रेसिस्टेंस कनेक्टेड है कहाँ पर, सेकेंडरी में, तो जो सेकेंडरी का रेसिस्टेंस है उसको हम रेफर करके लेके आएंगे कहाँ, प्राइमरी साइड, राइट। सो आर टू सेकेंडरी साइड का रेसिस्टेंस गिवन है 1000 ओम, प्राइमरी साइड हमें इसको रेफर करके लेके आना है, यानी कि आर टू डैश हमें फाइंड आउट करना है, आर टू डैश क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस आर टू डिवाइडेड बाय टर्न्स रेशियो स्क्वायर, यानी कि यहां पर हम 5 का स्क्वायर करेंगे, ओके।
1000 डिवाइडेड बाय 25, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स एंड 0, 40, कितना रेसिस्टेंस हो जाएगा, 40 ओम। सो जो हमारा प्राइमरी साइड का करंट होगा वो 40 ओम रेसिस्टेंस को वो वियर करेगा, राइट, 40 ओम रेसिस्टेंस उसको सहन करना पड़ेगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द प्राइमरी एम्पियर टर्न्स आर काउंटर्ड बैलेंस्ड बाय व्हाट। प्राइमरी साइड के जो एम्पियर टर्न्स होते हैं यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, उसको कौन काउंटर बैलेंस करता है, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी साइड का एम्पियर टर्न्स, राइट, सेकेंडरी साइड एम्पियर टर्न्स, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कहा है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स ऑन वॉट। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है ना, आप जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हो, तो एक तो होगा रेजिस्टेंस की वाइंडिंग और दूसरा हो जाता है क्या, कुछ तो होता है जिसकी वजह से यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस हम शो करते हैं, और वो जो कुछ जो होता है उसी के बारे में पूछा कि वो क्या होता है। दिस इज जे एक्स वन, ये जो हमारा एक्स वन है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसके ये किसकी वजह से आया है, तो ये आया है लीकेज फ्लक्स की वजह से, राइट, जो वाइंडिंग्स में लीकेज फ्लक्स होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर एक इंडक्टिव रिएक्टेंस को शो किया जाता है, प्राइमरी साइड भी और सेकेंडरी साइड भी, क्योंकि जो प्राइमरी साइड में करंट फ्लो करेगा उसकी उसकी वजह से प्राइमरी साइड के फ्लक्स में लीकेज होंगे, लीकेज फ्लक्स आएगा प्राइमरी साइड, और जो सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से सेकेंडरी साइड में लीकेज फ्लक्स आएंगे। और जब हम ट्रांसफार्मर को नो लोड पे रखते हैं, जब ट्रांसफार्मर में कोई लोड कनेक्ट नहीं करते हैं, तब फिर क्या होगा, जब आप लोड को कनेक्ट नहीं करते हो यानी कि सेकेंडरी साइड जब आपका ओपन सर्किट है, तो सेकेंडरी साइड में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब सेकेंडरी साइड में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो वहाँ कोई लीकेज रिएक्टेंस नहीं होगा, और जब सेकेंडरी साइड में लीकेज रिएक्टेंस नहीं होगा तो सेकेंडरी साइड में लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, तो लीकेज रिएक्टेंस नहीं होगा, राइट, तो आप लीकेज रिएक्टेंस को शो नहीं करते हो इन केस ऑफ नो लोड, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम जब बात करेंगे लॉसेस और टेस्ट के बारे में, तो वहां पर जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, तो जो हमारा सेकेंडरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस है उसको हम शो नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि सेकेंडरी साइड में ना तो कोई करंट है, और जब करंट नहीं है तो लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, लीकेज फ्लक्स नहीं होगा तो लीकेज रिएक्टेंस नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम उसको शो नहीं करते। खैर इस क्वेश्चन पे आते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स ऑन व्हाट, लीकेज फ्लक्स, डी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, लीकेज फ्लक्स होगा, डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसने क्या कहा है, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर कंप्राइजेस ऑफ टू आइडेंटिकल वाइंडिंग्स इन पैरेलल। दो वाइंडिंग्स हैं, दोनों आइडेंटिकल वाइंडिंग है, तो सपोज एक वाइंडिंग है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एन वन, और एन वन नहीं, इसको ऐसे लिख लो कि एक वाइंडिंग है जिसमें है नंबर ऑफ टर्न्स एन, और दूसरी वाइंडिंग में भी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, एन प्लस एन यानी कि 2n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं 2n इन व्हाट, प्राइमरी साइड यानी कि एन वन, प्राइमरी साइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 2n है, ओके। इफ वन वाइंडिंग इज रिमूव, जैसे ही आपने एक वाइंडिंग को रिमूव किया तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए हाफ, हो गए हाफ, अब एन वन कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, पहले एन वन था 2n, अब एन वन हो जाएगा एन, हाफ हो गया, राइट। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है MMF अपॉन रिलक्टेंस ऑफ द कोर। एक बार ट्रांसफार्मर का फॉर्मेशन हो गया, एक बार वो बन गया ट्रांसफार्मर, तो उसका जो रिलक्टेंस है कोर का रिलक्टेंस चेंज नहीं होगा, राइट, कोर का रिलक्टेंस वो चेंज नहीं होगा, MMF चेंज हो सकता है। तो MMF कैसे चेंज हो सकता है, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दिया, यहां पर देखो यहां आपने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स को आपने हाफ कर दिया, राइट, MMF होगा क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैग्नेटाइजिंग करंट IM, एन इंटू IM डिवाइडेड बाय व्हाट, रिलक्टेंस, यही तो है फ्लक्स, यही तो है फ्लक्स। ट्रांसफॉर्मर है कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, यानी कि ये जो फ्लक्स है इसको
कांस्टेंट रहना है, रिलक्टेंस तो कांस्टेंट है। आपने क्या किया है, नंबर ऑफ टर्न्स को आपने हाफ कर दिया, तो जैसे ही आपने नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ किया, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई एम, आई एम इंक्रीज होना चाहिए। आपने नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ किया तो आई एम को डबल करना होगा, मैनेटाइजिंग करंट क्या होगा, डबल हो जाएगा। सो यही इसने पूछा है कि मैनेटाइजिंग करंट विल बी डबल्ड, ऑप्शन सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द पावर फैक्टर ऑफ अ पावर ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड, नो लोड पर जो इसका पावर फैक्टर होगा वो इसे वो हमसे पूछा है कि क्या होगा। नो लोड पर जो पावर फैक्टर होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है, नियर अबाउट 0.35। तो यहाँ पर है 0.35, ऑप्शन डी को आप मार्क करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसने क्या कहा है, इफ अ साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू अ पावर ट्रांसफॉर्मर इट्स नो लोड करंट वुड बी व्हाट। वोल्टेज सोर्स कैसा है, ध्यान देना, वोल्टेज सोर्स के बिना साइनसोइडल। एक ट्रांसफॉर्मर है, एक ट्रांसफॉर्मर में आपने जो वोल्टेज लगाया है VT वो कैसा है, साइनसोइडल है, साइनसोइडल। अब इसने पूछा है कि नो लोड करंट हमारा कैसा होगा, क्या नो लोड करंट साइनसोइडल होगा या फिर रिच इन थर्ड हार्मोनिक होगा, पहले तो इसके बारे में बताओ नो लोड करंट कैसा होगा। तो जैसे ही आपने वोल्टेज को साइनसोइडल लगाया है तो इसमें जो नो लोड करंट होगा आई नॉट वो कैसा हो जाएगा, वो साइनसोइडल नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को आप मार्क नहीं करेंगे। वोल्टेज जब आपने साइनसोइडल लगाया है तो करंट जो नो लोड करंट होगा वो साइनसोइडल नहीं होगा, उसके साथ हार्मोनिक्स आएंगे, राइट। आपने तो फंडामेंटल वोल्टेज सोर्स लगाया है, प्योर साइनसोइडल आपने लगाया है, लेकिन जो उसमें आई नॉट होगा, नो लोड करंट होगा, उसमें हार्मोनिक्स आएंगे, उसमें थर्ड हार्मोनिक भी आएगा, उसमें फिफ्थ हार्मोनिक भी आएगा, राइट। लेकिन जो थर्ड हार्मोनिक है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा थर्ड हार्मोनिक का, राइट। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसका कोर नॉन लीनियर कोर होता है, यानी कि प्रैक्टिकल कोर है ना। प्रैक्टिकल कोर के केस में क्या होगा कि जो उसका बीएच कर्व होगा, बीएच कर्व होता है नॉन लीनियर, लीनियर नहीं होता। यदि कोई कोर आपके पास ऐसा हो जिसका बीएच कर्व लीनियर है, ऐसा है बीएच कर्व, अगर ऐसा है तब तो आप कह सकते हो कि जो वोल्टेज है, अगर वोल्टेज है साइनसोइडल तो नो लोड करंट आई नॉट, आई नॉट भी होगा साइनसोइडल, तब आप कह सकते हो ये सही है, राइट। लेकिन ये तो तभी पॉसिबल होगा जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर गिवन हो, लेकिन क्वेश्चन में आइडियल ट्रांसफॉर्मर तो नहीं गिवन है, ये तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के केस में जो हमारा बीएच कर्व होता है वो कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है, ऐसे नहीं, बीएच कर्व क्या होगा, नॉन लीनियर, लाइक दिस, ऐसे बीएच, ये तो लीनियर नहीं है। नॉन लीनियर होने की वजह से जो I नॉट है वो क्या हो जाएगा, वो होता है पीकी करंट, I नॉट होता है पीकी इन नेचर। और इसका जो पीकी होने का रीजन है वो क्या है कि जो I नॉट करंट होता है उसमें थर्ड हार्मोनिक के स्ट्रेंथ होते हैं ज्यादा, राइट। तो इसको आप लिखोगे कि रिच इन थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक के जो इसके स्ट्रेंथ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट तो आपको ये मिल गया कि नो लोड करंट हमारा साइनसोइडल नहीं होगा, रिच इन थर्ड हार्मोनिक होगा। तो एक यहाँ पर है रिच इन थर्ड हार्मोनिक, एक यहाँ पर है रिच इन थर्ड हार्मोनिक। अब इसने क्या कहा है कि इट्स फंडामेंटल वुड लैग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। क्या जो हमारा नो लोड करंट है वो 90 डिग्री से लैग करेगा, नहीं, 90 से कम डिग्री से लैग करेगा। कम क्यों, क्योंकि यहां पर कुछ रेसिस्टेंस भी आएंगे, ओके। नो लोड पर ट्रांसफॉर्मर है, नो लोड करंट फ्लो कर रहा है, तो नो लोड में लॉस भी तो होगा, ट्रांसफॉर्मर के कोर में होगा लॉस, और लॉस होगा तो लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रेसिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो नो लोड के केस में जब हम ट्रांसफॉर्मर को, इसका जब हम डायग्राम बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, यहां पर रेसिस्टेंस भी हम शो करते हैं और साथ ही रिएक्टेंस भी हम शो करते हैं, ऐसे। ये जो रेसिस्टेंस होता है आरसी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोर में लॉस के लिए,
राइट right? और जब इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस आ गया तो करंट 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा, 90 से कम डिग्री से लैग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, फंडामेंटल वुड लैग द वोल्टेज बाय लेस देन 90 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22, इसमें क्या कहता है, इन अ ट्रांसफॉर्मर कोर थर्ड एंड फिफ्थ हार्मोनिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ फ्लक्सेस आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 4% ऑफ द फंडामेंटल फ्लक्स। थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स कितना है, 10% ऑफ फंडामेंटल फ्लक्स। फिफ्थ हार्मोनिक फ्लक्स कितना है, 4% ऑफ फंडामेंटल फ्लक्स, राइट। यदि मैं कहूँ कि फंडामेंटल फ्लक्स है फाइव एम वन, ये है फंडामेंटल फ्लक्स, थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स है फाइव एम थ्री, तो फाइव एम थ्री की वैल्यू कितनी है, 10% ऑफ फंडामेंटल फ्लक्स, इट मीन्स 0.1 टाइम्स ऑफ 5m1 लिख सकता हूं ना इसको ऐसे। फिफ्थ हार्मोनिक का फ्लक्स कितना है, 5m5, ये कितना है, दिस इज 4% ऑफ फंडामेंटल फ्लक्स, यानी कि 0.04 5m1, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। द थर्ड एंड फिफ्थ हार्मोनिक इंड्यूस ईएमएफ इन द वाइंडिंग इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल इंड्यूस ईएमएफ आर रेस्पेक्टिवली। जो वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होंगे उसमें थर्ड हार्मोनिक कॉम्पोनेंट और जो फिफ्थ हार्मोनिक कॉम्पोनेंट होगा ईएमएफ का, उसके बारे में बताना है, राइट। सो सबसे पहली बात कि जब हम थर्ड हार्मोनिक की बात करते हैं तो वॉट अबाउट द फ्रिक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक के केस में जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारा 3 times हो जाता है, यानी कि 3f, फ्रिक्वेंसी को हम f नहीं यूज करेंगे, 3f यूज करेंगे। फिफ्थ हार्मोनिक के केस में यही फ्रिक्वेंसी क्या हो जाता है, 5f हो जाता है, राइट। अब आप बताओ कि वोल्टेज इंड्यूस कितना होगा, यदि मैं प्राइमरी वोल्ट सॉरी यदि मैं फंडामेंटल वोल्टेज की बात करूं V1, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, V1 इज इक्वल टू √2π फ्रीक्वेंसी f 5m1 फंडामेंटल फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। ये है V1, V1 1 मतलब आप प्राइमरी साइड मत समझ लेना, 1 मीन्स मैंने यहाँ पर बोला है क्या, फंडामेंटल वोल्टेज। यदि मैं थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज की बात करूं V3, तो V3 क्या हो जाएगा, √2π। अब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 3 times, यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा 3f। व्हाट अबाउट द फ्लक्स, फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स, यहां से देखो ये हो जाएगा कितना, 0.1 times ऑफ 5m1 into n, राइट। इसको आप रीअरेंज अगर आप करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो क्या, √2πf इंटू 5m1 इंटू एन इंटू, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 3 × 0.1, यानी कि वॉट, 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। वॉट इज दिस, ये क्या है, यही तो है V1, यानी कि ये है फंडामेंटल वोल्टेज। तो थर्ड हार्मोनिक का वोल्टेज आपको कितना मिला है, V3 आपको मिला है 0.3 times ऑफ V1, है ना। थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज इज इक्वल टू 0.3 times ऑफ फंडामेंटल वोल्टेज। 0.3 times ऑफ फंडामेंटल वोल्टेज मीन्स वॉट, 30% ऑफ फंडामेंटल वोल्टेज, राइट। सो V3 कितना हो गया, दिस इज 30% ऑफ फंडामेंटल वोल्टेज। इसी तरीके से फिफ्थ हार्मोनिक को फाइंड आउट करेंगे, राइट। फिफ्थ हार्मोनिक देख लीजिए, V5 को फाइंड आउट करना है, तो V5 क्या हो जाएगा, √2π इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे 5f इंटू फ्लक्स। VM5 क्या है, VM5 है 0.04 5m1, तो लिखेंगे 0.04 5m1 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं क्या लिखूंगा, √2πf 5m1 इंटू एन। अब इस टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको मल्टीप्लाई करना 5 × 0.04 से, राइट। ये जो टर्म है ये क्या है, दिस इज फंडामेंटल वोल्टेज V1। अब इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 × 0.04, इट मीन्स व्हाट, ये हो जाएगा 0.2, दिस इज व्हाट, 0.2। तो आप क्या लिखोगे, दिस इज V5। V5 क्या हो गया, V5 हो गया 0.2 times ऑफ V1। V1 का 0.2, इट मीन्स 20% ऑफ V1,
यानी कि जो फिफ्थ हार्मोनिक वोल्टेज है वो कितना आया है, 20% ऑफ फंडामेंटल वोल्टेज। थर्ड हार्मोनिक आया है 30% और फिफ्थ हार्मोनिक आया 20%। 30% एंड 20%, ऑप्शन ए। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इफ रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड इंस्टीड ऑफ एसी, एसी की जगह पर हम क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज को हमने अप्लाई कर दिया टू द प्राइमरी साइड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा। देखिए दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर कोर, ये है प्राइमरी साइड, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर लगे हुए हैं प्राइमरी साइड, इधर है सेकेंडरी साइड, ये आपने क्या किया है, प्राइमरी साइड में जो आप एसी वोल्टेज को कनेक्ट करते हो उसकी जगह पर आपने डीसी को कनेक्ट किया है, तो क्या होगा, यहां पर आपने डीसी लगाया है, डीसी वोल्टेज सोर्स, यहां पर डीसी वोल्टेज सोर्स, ऐसे सपोज 240 वोल्ट आपने लगा दिया, 240 वोल्ट का डीसी आपने लगाया, वोल्टेज जब आप यहां पर कांस्टेंट लगाए हो तो यहां पर जो करंट फ्लो करेगा, करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जब करंट कांस्टेंट होगा तो व्हाट अबाउट द फ्लक्स, इस कोर में जो फ्लक्स आएगा फाई, ये फाई कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। देखो वोल्टेज डीसी यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट लिख देता हूं, वोल्टेज कांस्टेंट, इसकी वजह से करंट कांस्टेंट, इसकी वजह से फ्लक्स कांस्टेंट, राइट, फ्लक्स कांस्टेंट है, और जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो व्हाट अबाउट द डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी विल बी जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा जीरो, डी फाई अपॉन डी टी जीरो, तो एन डी फाई अपॉन डी टी कितने भी नंबर ऑफ टर्न्स इसमें लगा दो, एन डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। एंड व्हाट अबाउट द एन डी फाई अपॉन डी टी, एन डी फाई अपॉन डी टी इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वाइंडिंग्स, राइट, ये प्राइमरी साइड के अगर जो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना चाहते हो प्राइमरी साइड में, सपोज यहां का जो वोल्टेज है प्राइमरी का, प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है, अगर मैं इसको लिख दूं कि ई वन, यहाँ का वोल्टेज मैं लिख दूं ई वन और सेकेंडरी साइड का मैं वोल्टेज लिख दूं ई टू, तो ई वन को मैं क्या लिखूंगा, ई वन को मैं लिखूंगा एन वन, प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स इन टू वॉट, डी फाई अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ई टू, ये क्या हो जाएगा, एन टू डी फाई अपॉन डी टी, ये भी जीरो है, ना तो प्राइमरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस होगा ना तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस होगा, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रहा है, आपने प्राइमरी साइड में इनपुट लगाया है लेकिन सेकेंडरी साइड में आपको कुछ नहीं मिल रहा, जीरो वोल्टेज है, कोई इंड्यूस ही नहीं हुआ वोल्टेज, आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है, आउटपुट नहीं मिल रहा, इट्स ओके। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब प्राइमरी साइड में इंड्यूस ईएमएफ नहीं हो रहा है, प्राइमरी साइड में ईएमएफ का इंड्यूस होना ये उस प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करता है उसको कम कर देता है और वाइंडिंग को सेफ रखता है, राइट। यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद आपको बताया था कि यहाँ ये जो करंट है, ये करंट कितना होगा, दिस करंट आई इज इक्वल टू व्हाट, जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है 240 माइनस जो E1 होगा डिवाइडेड बाय प्राइमरी साइड की वाइंडिंग का रेसिस्टेंस R1। R1 की वैल्यू बहुत ही कम होती है, 0.5 ओम या फिर 0.2 ओम, 0.4 ओम, ऐसे ही होती है, 1 ओम से भी कम होती है वाइंडिंग का रेसिस्टेंस, ठीक है। अब जब इसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम है और जो E1 इसमें जो इंड्यूस्ड EMF है ये नियर अबाउट अप्लाइड वोल्टेज होता है, जो अप्लाइड वोल्टेज आप लगाते हो प्राइमरी साइड में उसी के आसपास इसकी वोल्टेज होती है, रेटिंग 2-4 वोल्ट का ऊपर नीचे बस होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता। तो जब वोल्टेज का डिफरेंस वी और ई वन का डिफरेंस जब कम होता है तो यहाँ जो करंट है वो कम करंट फ्लो करता है, आई वन साइड का जो प्राइमरी साइड का करंट है वो हमारा कम रहता है, विद इन द लिमिट रहता है, जिसकी वजह से वाइंडिंग सेफ होती है। बट जैसे ही आपने डी फाई अपॉन डी टी को जीरो कर दिया और इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी साइड में जैसे इंड्यूस ईएमएफ हो गया जीरो, तो ये जब हो जाएगा जीरो तो 240 डिवाइडेड बाय आर वन इसमें कितना होगा, ह्यूज करंट इसमें फ्लो करेगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इसकी वजह से जो प्राइमरी साइड की वाइंडिंग्स हैं ये क्या हो जाएंगी, जल जाएंगी, ये
प्राइमरी साइड की वाइंडिंग जल जाएंगी। सेकेंडरी साइड में हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, ई टू इज जीरो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा ट्रांसफॉर्मर सेफ तो होना चाहिए, लेकिन ये सेफ नहीं रहेगा, ट्रांसफॉर्मर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। ये ऑप्शंस को रीड करिए, सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल बर्न, नो इनकरेक्ट है, प्राइमरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल बर्न, सही है, सेकेंडरी वोल्टेज विल बी एक्सेसिवली हाई, इनकरेक्ट, देयर विल बी नो सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, ये भी करेक्ट है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। देखो यहाँ पर दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, लेकिन बी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, लेकिन अगर आपको किसी एक को मार्क करना हो तो आप इन दोनों में किसको चूज करोगे, आप प्रायोरिटी दोगे, प्रायोरिटी आप दोगे कि कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा फिनोमिनन है इस केस को लेकर किसको ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए, तो वो होगा कि प्राइमरी साइड का जो वाइंडिंग है ट्रांसफॉर्मर का वो जल जाएगा, ये मोर इम्पॉर्टेंट है देन ई टू जीरो, राइट। तो अगर एक ऑप्शन मार्क करना है तो ऑप्शन बी को मार्क करोगे, अगर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं तो फिर दोनों को मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक को मार्क करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ बी को मार्क करोगे, डी को मार्क नहीं करोगे, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ये गेट का क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। द कोर ऑफ अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन एज इंडिकेटेड इन द फिगर, यहां पर फ्लक्स वेरिएशन जो हो रहा है उसको आपने फिगर में आपको दिखाया गया, राइट, फ्लक्स वेरिएशन आपको दिखाया गया। यहां पर प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स हैं वाइंडिंग में 100 और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स हैं 200, ओके, दिस इज N2, N2 इज इक्वल टू 200 और N1 इज इक्वल टू 100, यहां पर फ्लक्स का वेरिएशन है, ठीक है। इसने फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग एज द फंक्शन ऑफ टाइम विल बी ऑफ द फॉर्म व्हाट, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है और आपके ऑप्शंस ये हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा ये फाइंड आउट करना। तो कैसे करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस, देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन डीफाई अपॉन डीटी, ओके, फ्लक्स का करना है डिफरेंशिएशन, इनटू करना है नंबर ऑफ टर्न्स और साथ ही आपको देना है माइनस साइन, राइट, ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी करना है, आपको फ्लक्स का ग्राफ गिवन है तो आपके पास दो चॉइस है, या तो इसको स्टेप वाइज इसका आप इक्वेशन लिख लो, 0 to 1 second के लिए इसका इक्वेशन लिख लो, 1 to 2 second के लिए इक्वेशन लिख लो, और फिर 2 to 2.5 second के लिए इसका इक्वेशन लिख लो, तीनों का इक्वेशन लिख के आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप क्या करोगे, वही हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, एक तो ये हुआ, दूसरा आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को डायरेक्टली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और वो भी ग्राफ के ही फॉर्म में, वो कैसे, देखिए फ्लक्स आपको दिया गया है ऐसा, दिस इज 1 second, दिस इज 2 second एंड दिस वन इज 2.5 second, यहां पर मैग्नीट्यूड है 0.12 weber, राइट, ये फ्लक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना, डिफ्रेंशिएशन मीन्स वॉट, डिफ्रेंशिएशन मीन्स स्लोप, डिफ्रेंशिएशन मीन्स स्लोप और इंटीग्रेशन मीन्स एरिया, राइट, यहां पर डिफ्रेंशिएशन करना है, इट मीन्स स्लोप फाइंड आउट करना है। देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 to 1 second, इस वाले पार्ट का आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, y एक्सिस में कितना चेंज है 0.12 - 0, यानी कि y एक्सिस में चेंज है 0.12, तो स्लोप क्या हो जाएगा, यहां पर मैं तीन लाइन लिख लेता हूं, लाइन नंबर वन, दिस इज लाइन नंबर वन, दिस इज लाइन नंबर टू एंड दिस इज लाइन नंबर थ्री, लाइन नंबर वन की मैं बात करता हूं, तो वन का स्लोप कितना हो जाएगा, फर्स्ट लाइन का स्लोप चेंज इन वाई 0.12 और चेंज इन एक्स
ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चेंज कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना हो गया, 0. व्हाट, 0.12। ये जो स्लोप है ये कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, राइट। दूसरा लाइन देखो, दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, दूसरा लाइन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ पैरेलल में है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। थर्ड लाइन को देखो, थर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, थर्ड लाइन का स्लोप, ये जो स्लोप है ये होगा नेगेटिव। ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है, राइट। अब नेगेटिव स्लोप तो है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस साइन के साथ कितनी वैल्यू है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में चेंज कितना है, 0.12, और एक्स एक्सिस में चेंज कितना है, यहां से देख लो 2 से लेकर कहां तक है, 2.5 तक, यानी कि 0.5 सेकेंड का इसमें चेंज है। तो डिवाइडेड बाय 0.5 कितना हो जाएगा, माइनस 0.24, ठीक है, माइनस 0.24 हो जाएगा, ओके, माइनस 0.24, ठीक है। अब इसमें डी फाई अपॉन डी टी आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, यानी कि आपने स्लोप फाइंड आउट किया, तो डी फाई अपॉन डी टी का आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना होगा। देखिए डी फाई अपॉन डी टी का ग्राफ, ग्राफ ऑफ डी फाई अपॉन डी टी वर्सेस टाइम, टाइम टी इज इक्वल टू 0 to 1, टाइम टी इज इक्वल टू 0 to 1 सेकेंड में जो स्लोप है वो कितना है, 0.12, स्लोप है 0.12, तो 0.12 ये तो पॉजिटिव है, तो यहां पर मैं ऐसे दिखा देता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज 0.12, ये है स्लोप यानी कि डी फाई अपॉन डी टी 0 to 1 में। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेकेंड लाइन का स्लोप था 0, तो सेकेंड लाइन का स्लोप जब 0 है तो 1 से लेकर 2 तक, टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0, यानी कि यहां पर होगा डी फाई अपॉन डी टी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2 से लेकर 2.5 तक, दिस इज 2.5, 2 से लेकर 2.5 तक इसका जो स्लोप है यानी कि डी फाई अपॉन डी टी है वो कितना है, -0.25, -0.24। तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे नेगेटिव है तो नीचे होगा -0.24, ये हो गया। ये जो ग्राफ है ये किस चीज का है, डी फाई अपॉन डी टी का है। यदि मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज फाइंड आउट करना है ना, आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 इज इक्वल टू 200, आपको क्या करना होगा, N2 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि E2 इज इक्वल टू 200 इंटू डी फाई अपॉन डी टी, तो इसका ग्राफ क्या होगा, पहले तो 200 इंटू डी फाई अपॉन डी टी कर लो, उसके बाद फिर नेगेटिव साइन भी लेना है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, E2 मत लिखो, अभी 200 इंटू डी फाई अपॉन डी टी के ग्राफ को ड्रॉ करूंगा। देखिए 0.12 इसमें मल्टीप्लाई करना है कितना, 0.12 में क्या मल्टीप्लाई करना है, 200 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 200 से, तो 200 इंटू 0.12 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 ना, ठीक है, ये हो जाएगा 24, यानी कि यहां पर होगा 24, दिस इज 24, 0 to 1 सेकेंड। उसके बाद ये है 0, 1 से 2 सेकेंड क्या है, 0 है, तो 0 इंटू 200 इज 0। उसके बाद यहां पर देखो, -0.25 मल्टीप्लाई विथ 200, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -48, दिस इज -48 वोल्ट, 2 से 2.5 सेकेंड, राइट। ये है 200 इंटू डी फाई अपॉन डी टी, लेकिन आपको इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है जो कि इसका नेगेटिव साइन के साथ होगा, राइट। तो जब आप नेगेटिव साइन पुट करोगे तो क्या होगा, जो हमारा ग्राफ आया है उसको हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल एक्सिस के अराउंड हम उसको फोल्ड कर देंगे, 180 डिग्री से इसको हम रोटेट कर देंगे हॉरिजेंटल एक्सिस के अराउंड, राइट, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, नेगेटिव साइन लगाना है। E2 का ग्राफ, E2 क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव, E2 इज इक्वल टू -200 डी फाई अपॉन डी टी, ये
तो ये जो ग्राफ हमें मिला है इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे, तो जो नेगेटिव में पोर्शन है वो चला जाएगा पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव में वो चला जाएगा नेगेटिव में। पॉजिटिव में है +24 तो ये चला जाएगा नेगेटिव में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -24, 0 to 1 सेकेंड के बीच में। उसके बाद 1 से 2 सेकेंड में क्या होगा, 1 से 2 सेकेंड ये क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद 2 से 2.5 सेकेंड में क्या है, -48 है, ये तो नेगेटिव में है, नेगेटिव में है ना, इसको जब आप फोल्ड करोगे तो ये क्या, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर पॉजिटिव में। तो 2 से लेकर 2.5 तक ये कितना हो जाएगा, 2 से लेकर 2.5 सेकेंड तक ये हो जाएगा +48 वोल्ट, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। ऑप्शंस को देख लीजिए, सो ऑप्शन बी राइट, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, इसने क्या कहा, द सर्किट डायग्राम शोज अ टू वाइंडिंग लॉसलेस ट्रांसफार्मर विथ नो लीकेज फ्लक्स। यहां पर लॉसलेस ट्रांसफार्मर है, लॉसलेस ट्रांसफार्मर है, ध्यान से देखना, लॉसलेस ट्रांसफार्मर मीन्स वॉट, इसके इसका जो रेसिस्टेंस है वो है जीरो, टोटल रेसिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ इसमें इंडक्टर होगा, इस ये जो ट्रांसफार्मर है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर होगा राइट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा। नो लीकेज फ्लक्स एक्साइटेड फ्रॉम अ करंट सोर्स आई टी, आई टी से इसको एक्साइट किया गया, आई टी का वेवफॉर्म आपको दिया गया है। अब इसने क्या कहा है, हुज वेवफॉर्म इज ऑल्सो शोन इन द फिगर, द ट्रांसफॉर्मर हैज अ मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस ऑफ, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 400 बाय पाई मिली हेनरी। ट्रांसफॉर्मर का जो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू गिवन है 400 बाय पाई मिली हेनरी। तो इसने फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, द पीक वोल्टेज अक्रॉस ए बी व्हेन स्विच एस इज ओपन, यहां पर जो स्विच एस है ये क्या है, दिस इज ओपन है, तो ये जब ओपन स्विच है तो जो ए बी टर्मिनल है इसके अक्रॉस का आपको पीक वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोला है राइट। इसने बोला पीक वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वोल्टेज का जो ग्राफ होगा उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर को ड्रॉ करिए, ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका जीरो होगा क्योंकि लॉसलेस ट्रांसफॉर्मर है, और लीकेज रिएक्टेंस यहां पर क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस तो होगा है ना, दिस इज मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, लीकेज फ्लक्स नहीं है ना, यहां पर देखो नो लीकेज फ्लक्स, तो लीकेज फ्लक्स नहीं है तो लीकेज रिएक्टेंस नहीं होगा, लीकेज रिएक्टेंस नहीं होगा। जैसे आप ऐसे करते हो ना, प्राइमरी साइड का रेसिस्टेंस आर वन और प्राइमरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस जी एक्स वन ऐसे लिखते हो, तो आर वन जीरो है क्योंकि लॉसलेस ट्रांसफॉर्मर है, लीकेज फ्लक्स जीरो है तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा है ना, तो ये दोनों पार्ट तो जीरो हो गया राइट। लेकिन शंट में यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस तो होगा राइट, इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है एल, एल की जो वैल्यू गिवन है इसमें वो क्या है, 400 बाय पाई मिली हेनरी, ये है सेकेंडरी साइड। यहां पर टर्न्स रेशियो देख लो ट्रांसफॉर्मर का क्या है, 1:1, 1:1 है, तो हमने इसको डायरेक्ट ऐसे ऐसे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। यहां पर है करंट सोर्स, दस करंट इज आई टी, करंट सोर्स है आई टी है। अब यहां पर है टर्मिनल ए और बी, ए बी टर्मिनल स्विच एस के ओपन होने की वजह से ए बी टर्मिनल ओपन है राइट, तो ओपन सर्किट वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है अक्रॉस द टर्मिनल ए बी राइट, वो वोल्टेज क्या होगा, ये जो करंट आई है ये इस इंडक्टर में फ्लो करता है राइट, अब इस इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वही हो जाएगा ए बी टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज। ओके, अब इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होता है, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज वी एल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, जो जो करंट गिवन है आई टी उसका आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, और फिर इंडक्टेंस की वैल्यू जो गिवन है उससे आप मल्टीप्लाई कर लो, वो हो जाएगा इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज, और यही जो इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है यही है टर्मिनल ए बी के अक्रॉस का वोल्टेज राइट। तो आप वोल्टेज को ड्रॉ कर लेना, उसमें आप देखोगे कि जो पीक वैल्यू है वो कितनी है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए डी आई अपॉन डी टी को फाइंड आउट करते हैं पहले।
करंट का वेवफॉर्म गिवन है, यहां देखिए करंट आई टी वर्सेस टी, करंट आई टी वर्सेस टी ये है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के रूप में लाइक दिस, ऐसा है। टाइम पीरियड कितना है? मिली सेकेंड में। यहां पर टाइम को ध्यान से देखना, टाइम है मिली सेकेंड में, 5, 10, 15, 20, ठीक है। दिस इज 5 मिली सेकेंड, दिस इज 10 मिली सेकेंड, दिस इज 15 मिली सेकेंड एंड दिस इज 20 मिली सेकेंड। टाइम इज इन मिली सेकेंड, राइट। एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड इसका है यहां पर 10 और यहां पर है -10, राइट। क्या करना है आपको? डी आई अपॉन डी टी करना है, जो करंट का वेवफॉर्म दिया गया है इसका डिफरेंशिएशन करना है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन मीन्स व्हाट, डिफरेंशिएशन मीन्स स्लोप को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट लाइन ये है, दिस इज फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट लाइन स्लोप क्या हो जाएगा? चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, है ना। वर्टिकल एक्सिस में चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चेंज। वर्टिकल एक्सिस में चेंज है 10 और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चेंज क्या है? 5। यहां पर आप 5 मत लिखना, 5 मिली सेकेंड है, तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा? 5 × 10⁻³ लिखना होगा, ठीक है। इट मीन्स क्या लिखोगे? 10 × 10�³ डिवाइडेड बाय 5, इट मीन्स वॉट? ये हो जाएगा 2000। स्लोप की वैल्यू कितनी आई है? पॉजिटिव में 2000, राइट। उसके बाद दूसरी लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये यहां से यहां तक पूरा है, ये टी इज इक्वल टू 5 से लेकर टी इज इक्वल टू 15 तक एक ही लाइन है। ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना होगा? चेंज इन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में चेंज देखो नेगेटिव साइन के साथ होगा क्योंकि स्लोप हमारा नेगेटिव है। वर्टिकल एक्सिस में चेंज है 10 से लेकर -10 तक, यानी कि 20 -20 डिवाइडेड बाय, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चेंज 5 से 15 मिली सेकेंड, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 मिली सेकेंड। तो 10 × 10⁻³ ये क्या हो जाएगा? -2000। ये भी हो जाएगा -2000, ये है +2000, ये हो जाएगा -2000, राइट। थर्ड लाइन देखो, थर्ड लाइन ये इसका स्लोप, दिस इज थर्ड लाइन, इसका स्लोप फाइंड आउट करिए। स्लोप इसका है पॉजिटिव, वाई एक्सिस में चेंज कितना है? वाई एक्सिस में इसमें चेंज है, वाई एक्सिस में चेंज है 10 और एक्स एक्सिस में चेंज कितना है? 5 मिली सेकेंड। तो 5 × 10⁻³, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +2000, राइट। आपको स्लोप की वैल्यू मिल चुकी है, तो आपको क्या करना है, डी आई अपॉन डी टी को आप यहां से ड्रॉ कर सकते हो, है ना। 0 to 5 मिली सेकेंड, 5 to 15 मिली सेकेंड, ये 10 मिली सेकेंड का है और ये है 20 मिली सेकेंड। नाउ 0 to 5 मिली सेकेंड में स्लोप है 2000, तो यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा 2000, दिस इज 2000, राइट। उसके बाद 5 से 15 मिली सेकेंड में है -2000, तो यहां से नेगेटिव में हो जाएगा ऐसे -2000, दिस इज -2000। उसके बाद 15 से लेकर 20 मिलीसेकेंड में स्लोप है +2000, तो इसको मैं ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, दिस इज +2000, ओके। ये है 5 मिलीसेकेंड, ये है 15 मिलीसेकेंड, ये है 20 मिलीसेकेंड, दिस इज टाइम इन मिलीसेकेंड। और वाई एक्सिस में क्या है? डी आई अपॉन डी टी। आपको क्या करना था? आपको करना था एल डी आई अपॉन डी टी, तो एल की जो वैल्यू है उससे आप मल्टीप्लाई कर लो, एल डी आई अपॉन डी टी मिल जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है? 400 पाई मिली हेनरी, एल इज इक्वल टू 400 बाई पाई मिली हेनरी, इट मीन्स 10 to the power -3। इसको आप कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या? 0.4 डिवाइडेड बाई पाई हेनरी, राइट। ये हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है? 0.4 डिवाइडेड बाई पाई, तो इससे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए, इसमें आप जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा, है ना, वोल्टेज मिल जाएगा एबी के अक्रॉस, वी एबी। वोल्टेज वेवफॉर्म कैसा होगा, ऐसा ही होगा। वोल्टेज वेवफॉर्म इज जस्ट लाइक दिस, दिस इज इन टाइम, और यहां पर मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहां है मैग्नीट्यूड 2000। 2000 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.4 डिवाइडेड बाय पाई से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय पाई, यही हो जाएगा ना। तो यहां पर वैल्यू हो जाएंगे 800 डिवाइडेड बाय पाई, और नीचे में मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -800 डिवाइडेड बाय पाई। ओके, ये है 5 मिली सेकेंड, ये है 15 मिली सेकेंड, ये है 20 मिली सेकेंड, राइट, टाइम इन मिली सेकेंड। ये जो वोल्टेज का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ये है इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज, या फिर आपको हो तो जो टर्मिनल ए बी है उसके अक्रॉस का ओपन सर्किट वोल्टेज है, राइट। अब इस क्वेश्चन के लास्ट स्टेटमेंट को रीड करो, इसने आपसे क्या पूछा है, द पीक वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी व्हेन एस इज ओपन, पीक वोल्टेज आपसे पूछा है, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, यहां देख लो, मैक्सिमम वोल्टेज इज 800 डिवाइडेड बाई पाई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय पाई वोल्ट, ये हो जाएगा पीक वोल्टेज। ओके, इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।